मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को शुद्ध करने के लिए संतों ने किया धरना प्रदर्शन। साधु संतों ने गौघाट स्थित जगदीश आश्रम में बैठक कर यह निर्णय लिया है कि 22 दिसंबर को देवास और इंदौर का मुआयना करेंगे। दरअसल संतों का कहना है कि प्रशासन द्वारा शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर दिए जा रहे धरने को स्थगित करने की मांग की थी और संतों से समय मांगा था कि इसी बीच साधु संतों ने बैठक कर अब मोक्षदायिनी शिप्रा को पतित पावन बनाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी भी कर ली है, जहां 22 दिसंबर को सभी साधु संत देवास की फैक्ट्रियों का गंदा पानी जहां मिल रहा है उस स्थल का दौरा करेंगे। वहीं इंदौर प्रशासन से चर्चा कर इंदौर की ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण करेंगे। संतों का कहना है कि वहां किसी भी हालत में शिप्रा में नाले और गंदा पानी नहीं मिलने देंगे। संतों की मांग है कि नहर बनाकर खान नदी का सारा गंदा पानी शहर से 12 किलोमीटर दूर छोड़ा जाए। 22 दिसंबर को होने वाले निरीक्षण के अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज भी शामिल रहेंगे। भोपाल से प्रमुख सचिव आए थे, लेकिन उन्होंने जो भी शिप्रा के संबंध में मुआयना करा उनके अधिकारी के साथ में किया, जिससे साधु संतों को तो उन्होंने बुलाया नहीं और न साधु संतों से कोई चर्चा की। वस्तु स्थिति साधु संत ही बता सकते हैं कि शिप्रा की स्थिति क्या है। उन्होंने परवारे अपने कर्मचारियों से पूछ के वो चले गए, तो इससे साधु संतों में असंतोष है। हमारा कहना ये है कि ट्रीटमेंट किया हुआ पानी भी शिप्रा में छोड़ने से हम आचमन नहीं कर सकते, क्योंकि शिप्रा में तो पानी का पूजा करते हैं तो उसमें आचमन किया जाता है, तो वो पी नहीं सकते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट किया हुआ भी पानी शिप्रा में नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमने सुझाव दिया कि त्रिवेणी से कालियादे महल तक खुली नहर बनाई जाए, और अगर इनको ट्रीटमेंट करना भी है, भले ही इंदौर में ट्रीटमेंट नहीं करें, कालियादे महल के वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बनाए और आगे कृषि के लिए उस पानी को छोड़े। अगर महितपुर वाले को तकलीफ है तो ट्रीटमेंट यहाँ किया जाना चाहिए। इंदौर से भले ही ट्रीटमेंट में पैसा न लगाए, वो सीधा पानी छोड़ दे और कालियादे महल पर ट्रीटमेंट करके फिर छोड़ दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि कान नदी जो है, ऐसा मानो कि सीधी कालियादे महल पे ही मिली, ऐसा समझो ही मत कि त्रिवेणी के यहाँ मिली, क्योंकि हमारा धार्मिक जो है क्षेत्र है ये त्रिवेणी से कालियादे महल तक। हमारा सिंहस्थ में पर्व स्नान भी होता है, सभी आते हैं स्नान करते हैं रामघाट पे पर्व पे सब, तो इस क्षेत्र को साफ रखना है, आचमन योग्य जल को बना